मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्र और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर आपके ऊपर रेप जैसे एलिगेशन लग गए हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उससे निकलेंगे कैसे, उसमें क्या उपचार है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को फ्री करा सकते हैं, निकल सकते हैं, रेप के मैटर से बच सकते हैं। देखिए, रेप बहुत हीनियस नेचर का ऑफेंस है। अगर सच में किसी के साथ हुआ है तो मेरी संवेदनाएं उसके साथ हैं, लेकिन इस कानून का सबसे ज़्यादा आज की डेट में दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको महिलाओं के द्वारा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि खुद की प्रोटेक्शन की शील्ड के तौर पर। इसको दिया गया था ढाल के तौर पर, लेकिन महिलाओं द्वारा इसको तलवार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे केसेस इस महीने मैंने देखे जिसमें लड़कियों ने फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा रखा, और मेन रीजन जो मैंने देखा अब तक का एक एडल्ट्री रीजन रहा है, जब उनके हस्बैंड ने उनको पकड़ लिया तो उन्होंने FIR लॉन्च करा दी प्रेशर में आके, और दूसरा रीजन रहा है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। दो चीज़ें सबसे बड़ी हावी रही हैं झूठे रेप केसेस होने के पीछे, पहला एडल्ट्री रीजन रहा है, दूसरा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रीजन रहे हैं जिसकी वजह से FIR लॉज होती चली जा रही है। जहां पर आपसे पैसे की डिमांड होने लगे आपके पार्टनर के द्वारा, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, आप इस चीज को एकदम अच्छे से डिटरमाइन कर लीजिए। आपके ऊपर आगे चल के भविष्य में रेप की FIR आएगी अगर आपने उनको पैसे दे रखे और पैसे वापस लेना चाहा। और एडल्ट्री वाले मैटर में क्या है कि जो यंग लड़के हैं जो मैरिड लेडीज के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अब वो अगर अपनी शादी करना चाह रहे हो तो वो मैरिड लेडीज उनको डिस्टर्ब करती हैं कि दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट मैरिड, तुम शादी नहीं कर सकते, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टे विद मी इन एडल्ट्रियस मैनर। उसकी वजह से भी वो लड़के बेचारे निकलना चाहते हैं उस रिलेशनशिप से, लेकिन निकल नहीं पाते। इनिशियली शुरुआती दौर में उनके लोक लुभावने वादे और प्रलोभन में और नासमझी में फंस जाते हैं और उसके बाद उससे निकल नहीं पाते। निकलने की कोशिश जैसे ही करते हैं उनसे भी वसूली हैवी करी जाती है, और कई कई बार तो ऐसा देखा गया कि कुछ महिलाएं इस तरीके का पूरा गैंग चलाती हैं, वो अपने हस्बैंड और अपने परिवार वालों के साथ ही मिलके ऐसे लड़कों को फंसा के उनके ऊपर एलिगेशंस लगा के पैसे वसूलती हैं। एक आर्मी के अब जवान हैं, उन्होंने लड़की को पूरा, लड़की क्या हो, आंटी को, औरत को पूरी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी सब कुछ अपने कैंटीन के कार्ड से दिला दिया। 8-8 लाख रुपए का सामान उन्होंने दे दिया। सिपाही की तनख्वाह कितनी होती, क्या पैसा उनको बचा होगा, उन्होंने पैसे देते चले गए और निकल फंसते चले गए। जब निकलने की कोशिश करी फिर उनके ऊपर भी FIR लॉन्च करा दी गई। ऐसी सारी चीज़ें होती रहती। अब मेरा जो मेन प्रस्पेक्ट है आपको बताने का कि इस केस में आपकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, जहां पर देखिए जैसे ही लड़के के ऊपर लड़की FIR लिखाती है, झूठी है सही है, उससे मीडिया को भी नहीं लेना देना है, हमारे लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ कहा जाता है, लेकिन बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से मीडिया वाले भी पेपर में, टीवी में अलग अलग तरीके से बहुत फर्जी खबरें छाप देते हैं। उनका कहना रहता है लड़का लड़की के साथ कर रहा था शादी का झांसा देते हुए दुराचार, ऐसी हेडिंग बन जाती है, शादी की आड़ में कर रहा था बलात्कार, ऐसी हेडलाइंस बन जाती है, और लड़के ने जहां पर कुछ नहीं कर रखा वहां पर भी फंस जाएगा। अब जहां पर लड़की ने कह रखा है शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए लगातार 4 वर्षों से 5 वर्षों से, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप एक मेजर हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आप देश का प्रधानमंत्री चुन सकती हैं कि हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे या आदरणीय राहुल गांधी जी होंगे, दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन हस्बैंड कौन होगा, हस्बैंड चूज करते टाइम ही आपको झांसा मिल जाता है। तो जहां पर शादी का झांसा देते हुए बलात्कार की बात कही गई और पिछले 5 वर्षों की 2 वर्षों की 6 महीने की 8 महीने की बात की गई है, इससे स्पष्ट है कि आपकी पिछले 5 वर्षों से सहमति थी, आपकी कंसेंट पिछले 5 वर्षों से थी। आप इसमें कंसेंट प्रूफ करने की कोशिश करिए जहां पर फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह हैं, क्योंकि 5 सालों से अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप आप बिल्टअप कर रही लगातार जाके उसी होटल में या डिफरेंट होटल में अलग अलग लोकेशंस में जाके, तो इट मीन्स आप दूध पी दी बच्ची नहीं, आपने सहमति दी थी, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके रिजल्ट सब कुछ अच्छी तरीके से पता थे कि क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, आपने स्पष्ट तौर पे उसको अपनी कंसेंट दी, फ्री विल से दी, शादी करनी या नहीं करनी है दोनों व्यक्तियों का इंडिविजुअल राइट है, और पर्सनल लाइफ और लिबर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमें गारंटी करता है, तो आप किसी को फोर्स करके शादी नहीं करा सकती हैं। और दूसरी चीज़ आप FIR लिखा देती हैं सिर्फ मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से, ताकि आपका जो मनमुटाव उनसे रहा हो या आपने बॉयफ्रेंड बनाने के दौरान उनसे जो हैवी वसूली करी हो, सोना चांदी गहना गुड़िया खरीदवाया हो, उसका हिसाब किताब आपसे अगर वो लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने FIR लॉन्च करा दी। तो अगर आप लड़की का मैटर है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, पूछिए कि 5 साल आप कहाँ थी, जो लड़का आपके साथ एक बार बलात्कार किया दोबारा आप फिर क्यों करवाने गई। और रेप हमेशा जो होता है इच्छा के विरुद्ध होता है,
इच्छा के विरुद्ध होने का तात्पर्य है कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी वो फिजिकल इंटरकोर्स स्टैब्लिश प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इस दौरान महिला डेफिनेटली रजिस्ट करेगी, यानी कि गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेगी, वो आपको नोच सकती है, उसको चोट आ सकती है। इस तरीके से बॉडी पर इंजरी जरूर आएगी। अगर जहां पर इंजरी नहीं है, इस तरीके से उन्होंने सिर्फ मेयर एलिगेशन लगा रखे हुए, बेयर एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप कर रखी है, तो आप उस इंजरी का भी हवाला लीजिए कि इनकी इंजरीज कहाँ हैं, चोटें कहाँ हैं। अगर हमने किया क्योंकि इच्छा के विरुद्ध है और फ्री विल से नहीं है, तो डेफिनेट रजिस्टर करते दौरान चोट आनी ही आनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हो गई कि अगर लड़की ने कहा कि 5 सालों तक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बने हैं, तो आप उससे सिंपल सी बात पूछ लीजिए कि भाई 5 सालों तक अगर लगातार सेक्सुअल रिलेशनशिप बने थे, तो आप पहली बार में कहाँ थी, आप दूसरी बार में कहाँ थी, आपने इमीडिएट बेसिस पर FIR क्यों नहीं रजिस्टर कराई। इट मीन्स संबंध आपकी शारीरिक संबंध जो है आपकी मर्जी से बने हैं, और अब स्पष्ट हो जाता है कि आपके बीच में पैसे का मन लेन देन था, मन मुटाव था, मेलाफाइड इंटेंशन के तहत आपने स्पष्ट तौर पर इनके ऊपर FIR लॉन्च करा दी। और इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस भी हैं, और ऑनरेबल कोर्ट भी हमारी ये मानती है कि अधिकतर केसेस इस तरीके के फॉल्स आते हैं, क्योंकि लड़कियां पहले इनिशियल स्टेज पर स्वयं फ़ोन कॉल करती हैं, मैसेजेस करती हैं, उसके बाद आपसे बातचीत होती है, मिलते हैं, दोस्ती होती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता है, फिर भी आपके ऊपर फर्जी तरीके से FIR लिखा देती हैं, क्योंकि 376 की FIR लिखाने के लिए किसी प्रकार के एविडेंस देने की उनको आवश्यकता नहीं, सिंपली थाने में गई, रोई, चिल्लाई, गाई, FIR रजिस्टर हो गई। ठीक है, और क्योंकि रेप का कानून बेहद घटिया है, बहुत घटिया कानून है, बहुत लचर कानून है, जेंडरल न्यूट्रल नहीं है, केवल महिलाओं के लिए, तो इसका मिसयूज सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे मैटर में आप जो रेप के लॉयर्स हों उनसे कंसल्ट करिए, वो आपकी मदद बेहतर कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स इसमें ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना कि शी शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। अगर 18 साल से नीचे की है और उसने अपनी मर्जी से भी खुद को परोस दिया है आपके सामने कि लेट्स हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप टूगेदर, तब भी आप समझ लीजिए, उसने अगर कंसेंट भी दे रखी है तब भी आप फंसोगे, क्योंकि लेस देन 18 माइनर है वो, उसकी कंसेंट नल एंड वॉइड है और आप जेल चले जाएंगे। इसलिए नेवर ट्राई टू यू नो एस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद गर्ल्स हु आर लेस देन 18 ईयर्स। और सिंपल सी बात है भैया, प्यार करना है तो मार्कशीट देख लेना, 10th क्लास की, 10वीं की मार्कशीट देख लेना, दीदी 18 साल के ऊपर की है नहीं, अगर दीदी की उम्र 18 साल के नीचे, उनसे दूर हो जाना, वरना तुम्हारे ऊपर मुकदमा रजिस्टर हो जाएगा। और उसकी एज डिटरमाइन करनी बहुत जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये कि भैया क्लियर कट तौर पे उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो भी आपके पास है, जहां पर वो अपनी महिला कंसेंट दे रही है, आपको खुद बुला रही है, वो अपने पास रखिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। टेक्स्ट मैसेजेस अपने पास रखिए, अगर होटल जा रहे हैं तो दोनों की आईडी लगाइए, और कोशिश करिए कि अगर भाई 4 बार गए हो तो एक बार उनके नाम की बुकिंग हो, एक बार आपके नाम की बुकिंग हो, अल्टरनेट बेसिस पर दोनों नाम, दोनों लोगों के अकाउंट से पैसा गया होना चाहिए, कोशिश कर लेना। ये मत सोचना कि मैडम सोचेंगे कि आपकी जो है आप उनसे कह रहे हो पैसा पे करने के लिए, उनके अकाउंट से पैसा पे करा उनको दे दो, क्योंकि कंसेंट तो भैया आप कहाँ से प्रूफ करोगे बाद में आके, लड़की कह देगी जबरदस्ती होटल लेके चले गए थे, बाद में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओगे होटल वालों की कि जैसे आई थी वैसे गई थी, हैप्पीली आई थी हैप्पीली गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, फोटोज वगैरह प्रॉपरली रखो, एक्सप्रेसिव रखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूड फोटोग्राफ्स रखिए, आप फोटोग्राफ्स ऐसे रखिए जिसमें उनकी फ्री विल दिख रही हो, खुश दिख रही हो, वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। तो रेप के मैटर्स में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, बहुत बच के रहने की जरूरत है, जरा सभी ऊंच नीच हो गई तो आप जेल चले जाओ, जेल की सलाखें आपका इंतजार करेंगी, अंदर चले जाओगे बाहर नहीं आओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड में यह है, मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में हो, तो भाई उनसे टेक्स्ट मैसेज ले लो कि वॉट एवर रिलेशनशिप इज बींग एस्टेब्लिश विद ईच अदर दैट इज फ्रॉम विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज ईमेल पे ले लो, मैसेज पे ले लो, या कहीं पे ले लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी अगर आपको जरा सी भी धमकी मिले कि भैया तुम्हारे ऊपर हम मुकदमा लिखा देंगे, झूठा सच्चा कुछ भी किसी प्रकार की धमकी मिले, तो अपने यहाँ के SHO को और SP को सारी डिटेल बाय पोस्ट भेज दो और अपने पास उसकी रिसीविंग रख लो, क्योंकि कार्रवाई तो पुलिस उस पर कभी नहीं करेगी आपकी एप्लीकेशन पर, क्योंकि आप लड़के हो, जानते हो लड़का होना इस देश में अभिशाप है। आप उस एप्लीकेशन को अपने पास रख लीजिएगा, वो एप्लीकेशन आपके लिए फर्दर भविष्य में यूज आएगी जब लड़की आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाएगी।
और जब भी फॉल्स FIR हो तुरंत इमीडिएट बेसिस पर अपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मैसेजेस चैट सारी चीज़ें डेट एंड इवेंट उसकी देखते हुए आप FIR क्वेश्चन में हाईकोर्ट जाइए, FIR क्वेश्चन में स्टे लीजिए ताकि आपकी गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि ये मैटर ऐसा है कि उसमें इमीडिएट बेसिस पर गिरफ्तारी होगी, जेल भेजे जाओगे। बहुत मारती है पुलिस, पहले 3 दिन 4 दिन थाने में बिठा के रखती है, पूरा तुमको निचोड़ लेती है, सारा पैसा तुम्हारा घर वालों से निकलवा लेती है, उसके बाद तुमको फिर चालान करके जेल भेजती है। ऐसा कोई स्टेप नहीं कर उठाइएगा, अगर कोई गलत स्टेप उठाएंगे तो आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएंगे। उम्मीद है जानकारी समझ आई, पसंद आई, इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अगर आपने मुझे कनेक्ट नहीं किया तो कनेक्ट ओवर देयर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है हर चीज़ का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।